नमस्कार, नेता में पसंग प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष। आज मैं अपने ओर से 5 जून सारा दुनिया का वातावरण के दिवस पे मैं अपना तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस मैसेज के साथ साथ में आपको मैं एक बात वाकिफ कर दूँ कि इस साल इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा देश भारत में मनाया जा रहा है। ये एक बहुत गर्व की बात है। हम सब इसलिए दिलो जान से भरपूर इसको साथ देना चाहिए। तो हम अपना प्रदेश की और अपना ईटानगर की बात करूँ तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में वातावरण दिवस में हम एक चीज़ अपना जागृति देना चाहता है अपना बंधुओं को, कार्यकर्ता को, अपना पब्लिक को कि हम प्लास्टिक का जो यूज़ करता है, प्लास्टिक एक ऐसे वस्तु है जो कभी सरता नहीं है बल्कि सेहत के लिए, वातावरण के लिए यह हानिकारक है। इसलिए हम ये कोशिश करना चाहिए कि भाइयों और बहनों की कम से कम मात्रा में हम प्लास्टिक को यूज़ करें और बाकी सगे संबंधी को भी बोलो कि कम मात्रा में प्लास्टिक को यूज़ करें। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ। हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के साथ चलेगा वैसे ही हमारा अरुणाचल और ईटानगर इन्वायरमेंटली नेचुरली हम लोग बहुत हेल्दी है। इसलिए आने वाला ज़िंदगी को और ज़्यादा हेल्दी करने के लिए, हमारा देश को, हमारा पब्लिक को, हमारा प्रदेश को हेल्दी रखने के लिए हम जो है अवेयरनेस अपना बीच में बना रहना चाहिए। तो आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में मैं आपको बारी बारी से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम इसको भरपूर साथ देना है, सुबह शाम भूलना नहीं है, अपना बीच में सफाई रहना है, प्लास्टिक कम मात्रा में यूज़ करना है और दुनिया का साथ जोड़ना है, आगे ज़िंदगी में सुखल रहना है और प्रगति, पीस एंड प्रोस्पेरिटी के आगे चलना चाहिए। ये मेरा आप सबसे विनती है। उसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अरुणाचल वासी होने के नाते जैसे अभी हाल ही में आपको हर नेशनल चैनल में खबर आ रहा है, मानसून आने से पहले ही इस बार बहुत बड़ा बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है सारा देश में, जगह जगह में आदमी का सरकार प्रदेश में रास्ता डैमेज हुआ, बिल्डिंग डैमेज हुआ, घर डैमेज हुआ, ऐसे करके मानसून का कारण बहुत तोड़फाड़ हुआ है, बहुत आदमी का जिंदगी भी चला गया। तो हम ईटानगर का नेता होने के नाते खास करके अरुणाचल वासी और तारतिन ईटानगर को मैं एक अवेयरनेस मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये इतिहास कि हमारा अरुणाचल में जून जुलाई ये मानसून सीजन में हमेशा नेचुरल कैलामिटीज का एक ज़ोरदार या धमाका होता है हर साल, तो इस साल भी ज़रूर होगा। इसलिए हम लोगों का बीच में एक तो प्रिवेंशन लेना चाहिए। हमारा ईटानगर में जगह जगह खारी में, नाला में बहुत आदमी लोग, हम लोग का गरीब भाई लोग घर बनाया, जहाँ बड़ा बड़ा आदमी जैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने नहीं सका है, नुक्कर में छोटा छोटा गली में घर बना के रखा है, कहीं नाला का ऊपर में भी घर है। मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह करता हूँ, पब्लिक से भी ये ज़ोरदार से दिल से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये आने वाला मानसून में ज़्यादा नेशनल कैलामिटीज डैमेज होने जा रहा है, इस बार बाकी साल से ज़्यादा आएगा। इसलिए आप सब से मेरा आवेदन, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब अपना चौकन्ना हमेशा बरस के रखिए, कुछ भी इंसिडेंट होने से पहले प्रिवेंशन से ही रखिए। और मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा आपका साथ है, हर समय हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोकल पेपर्स उसमें आपका हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, वो नंबर को आप अपना अपना मोबाइल में भरा के रखिए, कहीं भी कोई तकलीफ होगा जल्दी से जल्दी वहाँ सूचना कर दीजिए। और जल्दी कहीं ऑफिसर नहीं मिलता, रात को कहीं तकलीफ होता है तो खास करके हम हमेशा आपका साथ खड़ा है। मेरा नंबर 9436041622, हमेशा ये लाइन खुला रहेगा। इसलिए कहीं भी किसी को तकलीफ है, किसी को डैमेज हो गया, ज़्यादा तकलीफ हो गया, हमको खबर कर दीजिए, हम हमेशा हर सुख दुख की घड़ी में आप सबका साथ हम खड़ा है। इस चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे विश्वास रखता हूँ कि आने वाला मानसून हमारा अरुणाचल में ज़्यादा ना बिगाड़े, और इसके लिए हम लोग होशियार बरके, ये आपसे मैं निवेदन करता हूँ। थैंक यू।